चलो नेक्स्ट, ये कहता है टू बॉडी अब मास एम एन फोर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, अब रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है और मास एम, एक की मास एम है और दूसरे की मास फोर एम है और काइनेटिक एनर्जी इसका ई वन बराबर है इसकी काइनेटिक एनर्जी ई टू, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम एनर्जी अभी हम लोग पढ़ गया है एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो मोमेंटम कितना बनेगा भैया, मोमेंटम बनेगा 2m काइनेटिक एनर्जी e अंडर रूट, क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास अंडर रूट, बिकॉज एनर्जी क्या है दोनों के लिए सेम है, 2 कांस्टेंट है, तो मोमेंटम p1 अपॉन p2 की रेशियो मास m1 अपॉन m2 अंडर रूट, ठीक है, तो मास m1 अपॉन m2, पहले का मास कितना भैया, तो रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, पहले का मास m है और दूसरे का मास 4m है, ठीक है, तो ये अंडर रूट चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाई टू, मतलब 1:2 उनके लीनियर मोमेंटम का आंसर।